हेलो जी, क्या हाल है? सब कुछ चकाचक चल रहा है ना? जैसा आपका हाल हो, जैसी आपकी चाल हो, और आपको जो कुछ पूछना है वो आप नीचे कमेंट करके पक्का पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने की। जिन लोगों का बजट है 12,000 रुपए और उन लोगों को अच्छा वाला फोन लेना है, बस फोन ऐसा होना चाहिए जो दिल को भा जाए, और कहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन में डिस्काउंट चलता हो तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। मैं आपको 7 फोन बताऊंगा रैंक के हिसाब से, लेकिन जो फोन आपको अच्छा लग जाए, जो रैंक आपको भा जाए, वो वाली रैंक आप दे दीजिएगा, क्योंकि सबकी जो डिमांड होती है ना वो अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं 7वें नंबर के फोन की, और यहां पर जो फोन है ये है टेक्नो का POVA 2। क्या नाम है, POVA, मुझे काफी पसंद है। इस फोन में आपको बिल्कुल बैटरा वाला बैटरी मिल रही है, वो है 7000 mAh की। भाई ये जो बैटरी है ना, बहुत देर तक चल जाएगी। और साथ में जो प्रोसेसर है, यह है मीडियाटेक का हीलियो G85, डीसेंट प्रोसेसर है, आप अच्छे वाले गेम खेल सकते हैं नॉर्मल सेटिंग में। उसके साथ साथ पीछे की तरफ जो कैमरा है, यह है 48 MP का क्वाड कैमरा, और आगे की तरफ 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरे से आप ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, ठीक ही ठाक वाला मैं कहूंगा, और आपको टेक्नो जैसे ब्रांड से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप POVA 2 में जा सकते हैं। कुछ यार आपके सेकंड लूंगा स्पॉन्सर की बात करने के लिए, ये है वंडर शेयर का रिकवरी। कभी कभी यार धोखे में हमसे फाइल डिलीट हो जाती है, तो मेरे भाई आपके पास iOS का लैपटॉप है, मतलब एप्पल वाला, आपके पास विंडोज लैपटॉप है, इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करिए, और उसके बाद आप कोई भी डिलीट वाली फाइल को फिर से ला सकते हैं वापस। रिसाइकल बीन की भी आप रिकवरी कर सकते हैं, और जो डिस्क की रिकवरी है वो भी यहां से पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे फीचर आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई आपको इस सॉफ्टवेयर का मजा उठाना है और आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए यार अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब बात करते हैं 6वें नंबर के फोन की, और ये फोन अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, Realme का Narzo 50A। बहुत ही बड़ी वाली बैटरी मिल रही है 6000 mAh की। साथ में जो पीछे की तरफ कैमरा है ना, 50 MP का ट्रिपल कैमरा, ये आपको जचने वाला है। मेरे हिसाब से आपको अच्छा कैमरे वाला फोन लेना है तो आप इस फोन में जा सकते हैं। हाँ, HD+ वाली डिस्प्ले है, Full HD+ वाला आपको डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। और जो प्रोसेसर है ये वही वाला है जो POVA 2 में मिल चुका है, मतलब मीडियाटेक का हीलियो G85, ठीक ठाक वाला प्रोसेसर है। और साथ में जो UI है ये भी काफी बिंदास है, और मुझे लग रहा है Realme का जो UI होता है ना वो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के फोन की, और ये जो फोन है ना, ये है देश का नमक वाला फोन, मतलब माइक्रोमैक्स, और इनका जो InNote 1 है आपको सस्ते रेट में पड़े, मतलब 10,000 रुपए के अंदर, तो आप इस फोन में जा सकते हैं। प्रोसेसर आपको वही वाला मिल रहा है जो पहले मैंने 2 फोनों में आपको बताया, मतलब मीडियाटेक का हीलियो G85। नॉर्मल सेटिंग में आप गेम खेल सकते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिल जा रही है, और साथ में यार जो UI है ना बिल्कुल ब्लोट फ्री है, आपको एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको क्लीन UI पसंद है, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस, मेरे भाई आप माइक्रोमैक्स के ब्रांड में जा सकते हैं। पीछे की तरफ जो कैमरा है ये है 48 MP का क्वाड कैमरा, 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, Full HD+ वाला डिस्प्ले है। मेरे हिसाब से आपको माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड से कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपको नॉन चाइनीज फोन लेना है तो आपके लिए यार माइक्रोमैक्स बहुत ही अच्छा वाला फोन आज की डेट में लॉन्च कर रहा है। बस जल्दी जल्दी से फोन लॉन्च करे तो और अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं 4वें नंबर के फोन की, और ये भी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, Infinix का Hot 11S। इस फोन में आपको Full HD+ वाला डिस्प्ले मिल जाता है, अच्छी बात है। पीछे की तरफ जो रियर कैमरे का मेन सेंसर है यह है 50 MP का, 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और जो कैमरा है ये आपको ठीक ठाक लगने वाला है। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, और साथ में 18W का जो फास्ट चार्जर है वो भी आपको बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। जो प्रोसेसर है यह है मीडियाटेक का हीलियो G88, मतलब अच्छा वाला प्रोसेसर है। मेरे हिसाब से गेमिंग करते समय आपको इस फोन में दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आपको Infinix जैसे ब्रांड से कोई भी दिक्कत नहीं है और आपके थोड़े से पैसे बचे तो आप Infinix के Hot 11S पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं 3रे नंबर के फोन की, और यहां पर एक फोन नहीं है,
दो फोन है और दोनों बिल्कुल जुगा भाई है। एक है पोको का M3 और जो दूसरा है ना ये है रेडमी का 9 Power। और इन दोनों फोन में जो आपको चीजें मिल रही हैं वो बिल्कुल सेम है। जो प्रोसेसर है ये है स्नैपड्रैगन का 662। ये जो प्रोसेसर है इसे मैं यही कहूंगा ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा कम है, ठीक ठाक वाला प्रोसेसर है। नॉर्मल सेटिंग में आप गेम खेलेंगे और नॉर्मल काम करेंगे, डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो बैटरी है ये भी आपको काफी बड़ी वाली मिल रही है, 6000 mAh की फुल HD+ वाला डिस्प्ले है। साथ में आपको पीछे की तरफ 48 MP का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है और जो आगे का सेल्फी कैमरा है ना यह है 8 MP का। आपको MIUI से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप पोको के M3 या तो रेडमी के 9 पावर में जा सकते हैं और सेल के दौरान आपके थोड़े से पैसे बच जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 1 की और साथ में नंबर 2 की। और इन दोनों फोन का जो प्राइस है ना ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कभी कभी बैंक ऑफर के बाद आपको अच्छे वाले प्राइस में देखने को मिल जाते हैं ये दोनों फोन। दूसरे नंबर पे जो फोन है ये है सैमसंग का गैलेक्सी M21 2021 मॉडल। बहुत सारे लोग यार मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं यार मुझे अपनी मम्मी को गिफ्ट करना है, पापा को गिफ्ट करना है, नॉन चाइनीज फोन लेना है, बस और बस सैमसंग का फोन बता दो। तो मेरे भाई ये फोन आपको मायूस नहीं करेगा। हाँ आपको अच्छा गेमिंग वाला फोन लेना है तो भाई यहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। जो प्रोसेसर है ना यह है एक्सिनॉस का 9611, काफी पुराना वाला प्रोसेसर है और मैं तो यही कहूंगा बस नॉर्मल सेटिंग में गेम खेलने के लिए ये फोन बना हुआ है। लेकिन जो डिस्प्ले है ना फुल HD+ सुपर एमोलेड वाला ये बहुत ही लल्लन टॉप है। बहुत ही बड़ी वाली बैटरी है 6000 mAh की और साथ में जो कैमरा है ना यह 48 MP का ट्रिपल कैमरा, आगे की तरफ 20 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। मेरे हिसाब से सैमसंग का गैलेक्सी M21 2021 मॉडल बहुत ही अच्छा वाला फोन है। हाँ जो दिक्कत है ना वह है प्रोसेसर की। तो भैया मैंने आपको खुल के बता दिया है क्या अच्छी बातें हैं और कहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 1 नंबर के फोन की और ये जो फोन है ये है रियलमी का नार्जो 30। इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है ना ये है मीडियाटेक का हीलियो G95। आपको अच्छा गेमिंग वाला फोन लेना है और आपका बजट कम है तो आप इस फोन में जा सकते हैं। जो बैटरी है यह है 5000 mAh की और पीछे की तरफ जो कैमरा है यह है 48 MP का ट्रिपल कैमरा। हाँ अल्ट्रा वाइड वाला आपको सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है, फुल HD+ वाला डिस्प्ले है, रियलमी का UI है। मेरे हिसाब से रियलमी का नार्जो जो 30 है ना ये आपको सही प्राइस में पड़े तो आप रियलमी के नार्जो 30 में जा सकते हैं। हाँ मुझे लग रहा है आप एक फोन और कहोगे जो है इन्फिनिक्स का Note 1, अच्छा वाला फोन है, सही प्राइस में पड़े तो आप उस फोन में भी जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे फोन बता दिए, अभी भी आप किसी और फोन के बारे में बताना चाहते हैं और आप ये कह रहे हैं उसे हमारी लिस्ट में होना चाहिए तो मेरे भाई आप नीचे कमेंट करके पक्का बता दीजिएगा। बस यार आपसे यही कहूंगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन दिख रही होगी इसको भी प्रेस कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है वो करें, बस हरदम हंसते रहे, चमचमाते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।